जानिए वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसकी हुई है चप्पलों से पिटाई। वजह जानकार आप भी रह जाएंगे हैरान। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेमिसाल शोख और हसीन अभिनेत्री अमीषा पटेल पर लाखों लोग फिदा है, लेकिन समय का पया बड़ा बलवान होता है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ऐसा ही कुछ हुआ अमीषा पटेल के साथ। कुछ समय पहले तक इस अभिनेत्री के पास फिल्मों की बरसात होती थी और अमीषा के पास कई फिल्मों के ऑफर्स हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास एक फिल्म का भी ऑफर नहीं है। अमीषा पटेल ने अपने फिल्मी करियर में अनेक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है जिसके चलते उन्हें अनेकों अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन आज अमीषा के पास न ही कोई फिल्म है और न ही उनका परिवार उनके साथ है। कह सकते हैं कि इन दिनों अमीषा पटेल के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते उनका समय बुरा चल रहा है। अभी पिछले दिनों अमीषा ने मीडिया में खुलासा किया कि उनकी मम्मी ने न सिर्फ उनकी चप्पलों से पिटाई की है बल्कि उन्हें उनके घर से भी बाहर कर दिया है। अमीषा की मां ने उनकी चप्पलों से पिटाई की। दरअसल मीडिया से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीषा पटेल ने अपने पिता अमित पटेल पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके सारे पैसे खर्च कर दिए और जब उन्होंने अपने पिता से अपने पैसे मांगे तो उनकी मां ने उनकी चप्पलों से पिटाई कर दी। अमीषा के अनुसार उनके पिता ने उनके पैसे बर्बाद कर दिए हैं। अमीषा ने अपने पिता अमित पटेल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रिपोर्ट में उन्होंने अपने पिता से 12 करोड़ रुपए के हर्जाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि इन दिनों अमीषा पटेल अपने पेरेंट्स से नाराज होकर उनसे अलग रह रही है। अमीषा ने आरोप लगाया कि उनकी मां आशा पटेल ने पहले तो उन्हें घर से बाहर धकेल दिया और उसके बाद उनकी चप्पलों से पिटाई करनी शुरू कर दी। अमीषा का फिल्मी करियर भी है खतरे में। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अमीषा ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार से की थी। अमीषा की पहली फिल्म सुपरहिट रही और उनके पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी। अमीषा ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी है, जिसमें कहो ना प्यार है, गदर, रेस्टोरेंट 2 और हमराज खास है। अपने फिल्मी करियर में ढेरों अवार्ड्स अपने नाम करा चुकी अमीषा आज अपना वजूद बनाने के लिए तरस रही है। आज अमीषा के पास न ही कोई फिल्म है और न ही उनका परिवार उनके साथ है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अमीषा का समय वाकई बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि ना ही उनके हाथ में कोई फिल्म है और अब पेरेंट्स से झगड़े के कारण घर से बेघर होना पड़ा है। एक समय करियर की बुलंदियों को छू रही अमीषा का ना सिर्फ करियर खतरे में है बल्कि उन्हें अपना वजूद बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।